हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबका हमारे चैनल कुकिंग फॉर यू में स्वागत है। आज हम आप सबके साथ पालक और बेसन की एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। पालक की बहुत सारी सब्जियाँ आप लोगों ने खाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से पालक और बेसन की सब्जी बना के खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चलो, इसको बनाने के लिए हम इतना पालक लिए हैं। पालक को हम बढ़िया से धुल लिए हैं और इसका जो डंठल है मोटा मोटा उसको निकाल देते हैं, उसको बारीक काट लेते हैं। पालक को हम काट चुके हैं और इसमें फिर इतनी पालक हम इधर निकालते हैं और इसको फ्राई में रख देते हैं और इसी में हम इतना निकालते हैं, इसी में बेसन ऐड करते हैं। बेसन बना चुके, पालक को हम काट चुके हैं और इतनी पालक इधर रख दे रहे हैं, इतनी सी लिए हैं। इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाए हैं, इसी में थोड़ा सा जीरा ऐड करते हैं, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी हींग। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हम इसको एक घोल तैयार करते हैं। ऐसे इसको हम बढ़िया से सब मिक्स कर लेंगे, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा गाढ़ा ही, और इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, अब इसी में हम तेल डालते हैं सरसों का। आप जो तेल कुकिंग में यूज करते हो वही तेल डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है, अब इसी में हम एक बड़ी इलायची डालते हैं और इसी में हम जीरा एक चम्मच, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा हींग, ये सब हमारा लाल हो जाएगा। लाल हो चुका है, अब इसी में बारीक कटी हुई प्याज डालते हैं। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए हमारी, इसको चलाते हैं और गैस का फ्लेम तेज ही रखते हैं। तेजी है, प्याज हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इसी में हम लहसुन अदरक हरी मिर्च को कूट के रखे थे, इसको भी इसी में डालते हैं और चलाते हैं। प्याज हमारी हो रही है, हो गई है। अब इसी में हम टमाटर बारीक कटा हुआ, दो टमाटर रखे थे, इसको इसमें हम दो लाल मिर्च डाल दे रहे हैं। इसको ऐसे गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम करके पता चले हैं मसाला बना लेते हैं। मसाले में हम लिए हैं एक चम्मच धनिया, एक चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और मसाले को हम चल रहे हैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको बढ़िया से ऐसे थोड़ा मिक्स कर देते हैं। ऐसे मसाला डालने से अच्छे से मसाला पक जाता है और मिल भी जाता है। ये मसाले को हम डाल देते हैं टमाटर में, ये टमाटर रखे इसको
चला देते हैं, इसमें थोड़ी सी मटर डाल देते हैं जो पालक बचा के रखे थे, इसमें इसको भी डाल देते हैं। इसको बढ़िया से चला देते हैं। आपको जितनी ग्रेवी बनाना हो उसी हिसाब से आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें पालक पकने भर के लिए। आपके पास छन्नी हो या ऐसे जिसमें फरा बनता है वो वाली थाली हो, इसको ऐसे ढक दें, मीडियम फ्लेम पे गैस कर दें। गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पे प्लेट लेते हैं, उसमें तेल लगाते हैं चारों तरफ। जो बेसन का घोल बना के रखे थे इसको इसी पे रख देते हैं और इसको ऐसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए, इसको ऐसे पकने देते हैं। 10 मिनट हो चुका है, अब हम चल रहे हैं इसको खोल के देखते हैं। इसको रख देते हैं थोड़ा ठंडा हो जाए, उधर उसको ऐसे गैस धीमा करके पकने देते हैं और इस वाले चूल्हे पे हम एक पैन चढ़ाते हैं, पैन हमारा गर्म हो जाए, इसी में हम सरसों का तेल डालते हैं 2 बड़ा चम्मच। इसको हम देखो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, आप लोग चाहें तो बर्फी शेप में भी कट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही टाइट हो जाता है। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक एक करके डालते हैं, गैस धीमी कर देते हैं। आप लोग को जिस शेप में पसंद हो उस शेप में आप लोग काट सकते हैं इसको, गैस धीमी है। इसको ऐसे अभी 5 मिनट देर से पकने देंगे, फिर पलट देंगे, दोनों तरफ बढ़िया से सिक लेंगे इसको लाल होने तक। देखो हम सब बढ़िया ऐसे से फ्राई कर चुके हैं, चलते हैं देखते हैं हमारी ग्रेवी जो पक रही थी। ग्रेवी हमारी देखते हैं, गैस को एकदम स्लो किए थे हम, देखो ग्रेवी हमारी बढ़िया से पक चुकी है। अब इसी में हम जो इसको फ्राई करके रखे हैं इसको डाल देते हैं। ये देखो थोड़ा सा ऐसे उलट पलट देते हैं, दो सेकंड के लिए इसको गैस का फ्लेम धीमा करके ढक देते हैं। देखते हैं सब्जी बनके हमारी रेडी है। ये देखो कितनी यमी यमी बनी है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और अगर अच्छी लगेगी तो हमारे। ये देखो सब्जी बनके हमारी रेडी है, पालक और बेसन की, ये देखो कितनी यमी यमी बनी है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अच्छी रेसिपी पाने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करिएगा। आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।